विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। अयोध्या श्री राम मंदिर के जल अभिषेक के लिए आप देख पा रहे हैं कि और लोकेश मुनि जी भी हमारे साथ हैं, जो कि इस जल अभिषेक में और साथ आए हैं। लोकेश जी क्या कहेंगे आज? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोकेश वाले 155 देशों से जल प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या जी में निर्माण हो रहा है, उसके गर्भगृह के अंदर जलाभिषेक के लिए जब मंदिर का शिलान्यास हुआ, देश भर की पवित्र नदियों से, तीर्थ स्थलों से जल और माटी मंगाई और उसी से प्रेरणा लेकर के विश्व भर के 155 देशों में श्री राम इतिहास बनाया। मुझे गौरव है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जिस तरह से बता रहे हैं लोकेश मुनि जी, इस इतिहास का हिस्सा बनने का मौका लोकेश मुनि जी को मिला है और अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ है। हम इनसे भी जानेंगे। जय श्री राम। देश के नहीं, दुनिया के लोग आज राम में हुए हैं। आज राम के सिद्धांतों ने पूरी दुनिया की जो अशांति थी वह शांति कायम की है। अगर इस दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करना है, अशांत विश्व को शांति प्रदान करनी है, तो केवल रामलीला के सिद्धांत और उनके आचरण ही कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सबको गले लगाया, सबरी से लेकर केवट को लेकर राजा से लेकर रंग तक को गले लगाया, जटायु को गिद्धराज को गले लगाया, हर जीव मात्र की रक्षा की। ऐसा पूरी ब्रह्मांड की महामाया का मालिक भगवान राम को 155 देशों का जलाभिषेक। भाई उत्तम जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, उनकी पूरी टीम, आदरणीय मुनि जी, लोकेश जी जो मुनि है, ऐसे संतों के सानिध्य में ये पूरे देश के लोग, संतों के सानिध्य में जयकारों से गूंज उठता है अयोध्या। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, देशवासियों जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्यारे देशवासियों, कहां से इधर 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 सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उसके शिलान्यास के अवसर पर देश भर की पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों से जल मंगाया गया और वो गर्भगृह के अंदर समर्पित किया गया। उसी से प्रेरणा लेकर के भाई विजय जोली जी ने प्रयास किया और देखते ही देखते 155 देशों का जल प्राप्त हुआ है और आज वो प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह के अंदर समर्पित करने किया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है जैन आचार्य के रूप में इसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे आमंत्रित किया। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा, भारतीय संस्कृति के पुरोधा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उस बताए हुए अनुशासन संयम मर्यादा के मार्ग पर चल करके हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश पड़ेगा। मैं पुनः देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आइए हम सभी संकल्प करें कि हम प्रभु राम के बताए हुए मार्ग पर चले। आइए हम सभी संकल्प करें और मेरे पास तो नहीं, जैसे कि सीता जी हमारे साथ हैं, जो कि जल देख पा रहे हैं आप, ये जल हमारे साथ है, चीन का भी जल हमारे साथ है इस वक्त, और हम सीता जी से पूछेंगे कैसा अनुभव कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि भगवान हम राममय हो गए और भगवान करे चीन को भी सद्गुरु
सद्बुद्धि मिले और इराक को भी सद्बुद्धि मिले और हमारे पीएम मोदी जी का जो सपना था और हम सबका सपना इतना, मतलब मेरे पास कोई बाइट नहीं मिल रही ना कोई शब्द मिल रहा, बस ये मेरे हाथ में एक कलश आ गया, इसको सद्बुद्धि दे और हमारा देश हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषणा हो जाए, इसी दिन के हमें उस दिन का बहुत है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, ये हर राम भक्त की एक इच्छा है, ये राम भक्तों ने सोचा है हिंदू राष्ट्र की, क्या कहेंगे आज। ये देखिए जर्मनी का जल भी जा रहा है अभिषेक के लिए, क्या कहेंगे आपको, आप क्या अनुभव कर रहे हैं यहाँ आकर के? ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कोई साक्षात राम जी के दर्शन कर रहे हैं। देखो मौसम में भी फायदा हो गया है, भगवान ने हमें इसका भी साक्षात दे दिया है। बहुत ही सारे सामने बजवा लेना उस तरह रोटी जितनी भी ये पेड़ निकालनी है सब। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है ये अयोध्या की ये पावन धरती, आज अपने आप में एक इतिहास लिख रही है निश्चित तौर पर। 155 देशों का जल आ रहा है। पंजाब से हमारे साथ उमा गोयल जी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। उमा जी गोयल हैं हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। हमारी भारत भूमि के लिए जो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम राम जन्मभूमि पे राम जी के दर्शन कर रहे हैं और राम जी का स्थान का शुभ उद्घाटन कर रहे हैं, और इससे बढ़िया हमारे लिए क्या सौभाग्य होगा कि हम हिंदू होकर अपने राम जी की पूजा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। गूंज उठा है इस वक्त, आप देख पीछे भी आप देख पा रहे हैं जिस तरह से अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है इस वक्त। राम भक्तों के अंदर जोश है और वो राम के नारों के साथ गूंज उठे हैं। आज हर एक जल अभिषेक के लिए श्री राम है। 155 देश, मैं कहूंगा नहीं 156 देशों का जल, चीन का भी आया है तो पाकिस्तान की रावरी नदी का भी पहुंचा है। निश्चित तौर पर ये एक इतिहास बन रहा है आज भारत की धरती पर और भगवान अवध की इस धरती पर, राम जन्म भूमि पर। निश्चित तौर पर आज राम भी सोच रहे होंगे कितने वर्षों बाद, कब तक टाट में रहे थे राम, आज आखिर ये समय आ गया। निश्चित तौर पर 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, निश्चित तौर पर एक हिंदू जागृति हर हिंदू के मन में आई है और आज हिंदू राष्ट्र की यदि मांग हो रही है तो इसमें कोई अनुचित नहीं है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो आम जन की भावना है, शायद हो सकता है 2024 ये भारत का इतिहास रचेगा और 2024 के चुनाव के बाद निश्चित तौर पर हो सकता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 400 सीटों पर ले जाने की बात कर रही है, और हो सकता है कि संविधान का सबसे बड़ा संशोधन, आज मैं मेक इन इंडिया पर आपसे कहना चाहता हूँ, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन 2024 के बाद हो सकता है और भारत हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। मैं मेक इंडिया टीवी के लिए अशोक गोयल अयोध्या। अफ्रीका से राजीव जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने जो जल खुद लेके आए हैं और डॉक्टर जुए ज्वाली तक पहुंचाया, उनसे जानेंगे, उनसे जानेंगे। आपको देखिए सभी सभी आ जाएंगे। अफ्रीका से राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो अयोध्या जल अभिषेक के लिए जल लेकर पहुंचे हैं और इन्होंने अपने हाथों से इस जल को संग्रह किया है। हम जानेंगे ये, आप देखिए स्लोवेनिया जो है वहाँ से ये जल यहाँ पहुँचा है और आज ये खुद अपने हाथों से भगवान राम के मंदिर का जल अभिषेक करेंगे। क्या महसूस करते हैं राजीव जी? हम मेरे लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है। सबसे पहले कि ये है कि मैं जो जल लाया हूँ विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, उसके उद्गम स्थल विक्टोरिया लेक से लाया हूँ, और मैं क्योंकि भालुपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, जब मैं छोटा बच्चा 6-7 वर्ष का था तो मुझे बाद में पता चला है कि पालनपुर हिमाचल प्रदेश में 1989 में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की बैठक, उसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी, वाजपेयी जी, शांता कुमार जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कि
9 से 11 जून 1989 में पालमपुर के राम मंदिर का निर्माण यहीं पे होगा। तो पालमपुर हिमाचल प्रदेश और इसका बहुत ही आपस में गहरा हो, तो मैं इस जल को वहाँ लेके गया, तो वहाँ से शांता कुमार जी ने अध्यक्षता में इसको जो है मंत्रोच्चारण के बाद यहाँ पे भेजा। आपने देखा कि वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर से यदि जल लेकर यहाँ पहुँचते हैं, क्या मन में होगी उनके भगवान राम के प्रति आस्था। ये निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक समय है इस वक्त, जो कि भगवान राम के जल से अभिषेक किया जा रहा है। इस अयोध्या की ये पावन भूमि अपने आप में आज अपना इतिहास लिख रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। मेक इन इंडिया टीवी के लिए मैं अशोक गोयल, अयोध्या। मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं, सभी लोग जल अभिषेक के लिए जा रहे हैं, और ये अयोध्या की पावन भूमि निश्चित तौर पर जो इसका अभी कार्य चल रहा है, अभी अयोध्या कॉरिडोर बन रहा है निश्चित तौर पर। अपने आप में इन चीज़ों को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये पत्थर लाल पत्थरों से अपने आप में ये कहानी लिख रहा है अयोध्या। आज अयोध्या की ये कहानी, इन पत्थरों से ये कहानी बन रही है। ये पत्थर नहीं है, ये एक राम की ईंट है, ये हनुमान जी का वो पत्थर है। यदि समुद्र में फेंक दिया जाए तो ये तैरता है। ये इसीलिए भगवान श्री राम की ये माया आज अपने आप में एक कहानी लिख रही है अयोध्या की धरती। उधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो जो आपको दिखाई दे रही है वो एक अयोध्या का पूरा इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है। और आज डॉक्टर वी एस जॉली के नेतृत्व में, जिसमें साथ में संत भी हैं और अयोध्या ट्रस्ट के श्री चंपक लाल जी भी हैं और आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख प्रचारक इंद्रेश कुमार जी भी हैं, तो राम लाल जी भी हैं, और सिख पूर्व जज रहे, पूर्व हमारे सेना अध्यक्ष रहे जे सिंह जी भी यहाँ साथ आए हैं। बहुत भव्य कार्यक्रम ये जल अभिषेक का होने जा रहा है, जिसमें बहुत ही ऐतिहासिक एक घड़ी है इस वक्त। हम बयां नहीं कर सकते इस घड़ी को, देशवासियों आप सबको भी हम ये पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ मेक इन इंडिया के लिए मैं अयोध्या। हमारे साथ पूर्व दिल्ली के मेयर नरेंद्र चावला जी है और विदेश में से जल लेकर रोमानिया और सब जल रोमानिया के डिप्टी एम्बेसडर हैं। और विजय मेहता जी, पहले सबसे पहले हम जानेंगे नरेंद्र चावला जी से, क्या महसूस कर रहे हैं चावला साहब आज? देखिए, आज का दिन मैं बहुत सौभाग्यशाली अपनी ज़िंदगी में मान रहा हूँ कि राम मंदिर को बनते देख रहे हैं। उसका संघर्ष बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन कई बार कार सेवा के लिए भी घर से जाने का मौका मिला, और अभी जो न्यास द्वारा और भारत की सरकार द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, ये अपने आप में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को ये बतला पाएंगे कि हमारे समय में राम मंदिर बना, और राम मंदिर का जो सपना हम बार बार लेते थे वो आज हमें सच होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम अपने आप में बदन पर चूंटी मार करके देख रहे हैं कि क्या ये सच है, और आज इस पवित्र भूमि को माथे पर लगा करके, इसकी रज को अपने माथे पर लगा करके अपने आप को परम सौभाग्यशाली बना रहे हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं आज? देखिए, राम मंदिर का निर्माण पहली बार एक ऐसी संस्था के रूप में उभर के आ रहा है, जहाँ पर विश्व भर के हिंदू अपनी आस्था स्थल को मान सकते हैं। आज हम पूरी दुनिया में देखें तो आज पूरा हिंदू विश्व हिंदू परिवार बड़ी आशाओं के साथ इस मंदिर के पूरा होने की कल्पना कर रहा है। ये एक ऐसी जगह है जो एक पूरे वर्ल्ड के हिंदुओं को जोड़ने का काम करेगी और उनकी आस्था को एक परिपक्व स्थिति में, परिपक्व रूप में एक भारत के निर्माण में उसकी सहायक होगी, ऐसा मेरा मानना है। वहीं से मिलेगी ना? आप क्या कह रहे हैं? इससे बड़े
बहुत खुशी का विषय है आज हर चाहे ब्रिटेन हो चाहे रोमानिया हो या दिल्ली के मेयर द्वारा जो हमें बताया गया अपने आप में वो महसूस कर रहे हैं आज होकर उस्मित होकर भवित कर रहे हैं। मैं अशोक गोयल अयोध्या। ये जल महिलाओं के मन में क्या होगा इस वक्त भगवान राम के लिए जानते हैं आज हम महिलाओं से भी क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि जो काम 500 साल से रुका हुआ था और हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा खुश है हमारा हिंदू राष्ट्र की बनना और राम राज्य जो राम राज्य में सब सुख शांति ईमानदारी जो सब लोग निरोगी रहते थे पूरी आयु से चलते थे इसलिए कोई कष्ट नहीं होता था सब लोग हुए जो उसका काम था उसको पूरी ईमानदारी और हम अपनी शुरुआत होती है इसको बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि राम अक्षत रहेंगे। जी मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो मंदिर का निर्माण आज से कई सौ साल पहले हो जाना चाहिए महिलाओं में क्या दोष है और ये माली का जल और जय श्री राम पोलैंड का जल और भी दो पीछे आज आप इसके बारे में बहुत आगे बताओ। मन हर्षित है कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आज जो सदियों से द्वापर में त्रेता में भगवान आना बने राम बने आज कलयुग में वो अपने गर्भ गृह में आ रहे हैं और कलयुग में तो हम सोचते थे कि कलयुग में हम पैदा ही क्यों हुए कोई द्वापर में पैदा हुआ कोई त्रेता में कोई सतयुग में क्या हमारे कर्म ऐसे थे कि हम कलयुग में ये दिन देखने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम कलयुग में पैदा हुए और आज ये राम जन्मभूमि पर अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनते हुए हम देख पा रहे हैं ये इतना बड़ा सपना हम सबका पूरे सबका साकार हो रहा है इसकी हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। शब्दों में व्याख्या क्या नहीं की जा सकती है क्योंकि मन इस वक्त राममय हो चुका है। अयोध्या की इस धरती पर 156 देशों का जल का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ ये कार्यकर्ता है ये भाजपा की बहुत बड़ी कार्यकर्ता मैं मानता हूँ दिल्ली में इनको क्या कहोगे आज आप लेकर बहुत अच्छा लग रहा है जिंदगी में कितने साल पुराने आज हमारा राम मंदिर बन रहा है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऊपर चला नहीं चला ऊपर ऊपर ओके एक चालू दोनों चालू है इस अभिषेक को यहाँ तक पहुँचाने में जिनका हाथ रहा है और एक किस तरीका से 155 यहाँ तक जल यहाँ पर लाया गया है और जॉली जो डॉक्टर विजय जॉली हो पाए दिल्ली स्टडी ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं वो क्या कहती है इस तरीका से यहाँ पर जल बड़ी मशक्कत से लाया गया है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं उनका उनसे हम बात करेंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो और आज राम विश्व व्यापी राम पूरे विश्वमय हो गए आज पूरा विश्व राममय हो गया है इस जल महाभिषेक की वजह से और सारे सब धर्मों के लोग जुड़ गए। देखिए यहाँ पर हर देश से जो लोटा लाया गया है उसमें जल है यहाँ कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जी कहाँ का ये जल है और क्या नाम है आपका। इससे बड़ा संदेश किसी को मिल नहीं सकता ये इस कार्यक्रम की सूत्रधार और उन्होंने बहुत मेहनत की है हम इन्हें प्यार से सालू कहते हैं और बहुत मेहनत करके यहाँ तक आज इस कार्यक्रम को सफल कर पाई है। मैं अशोक गोयल कार्यक्रम जल अभिषेक निश्चित तौर पर जो डॉक्टर वी.ए. जॉली ने ठाना था वो आज पूरा हो गया। अब डॉक्टर वी.ए. जॉली से जानेंगे हम कि कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर विजय जॉली। बड़ी आनंद की अनुभूति है खुशी है और मन के अंदर ये विश्वास है कि हम प्रभु
श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी हैं और रहेंगे। उनकी भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि आज सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ, विश्व भर के मित्रों और सहयोगियों के साथ हम 155 जमा एक देश का नदी और समुद्रों का जल भगवान राम मंदिर और उसके प्रांगण में अर्पित कर जलाभिषेक कर। जय श्री राम। एक बड़ा कार्यक्रम आज सफल हुआ है, जो कि बड़ी मेहनत के बाद, कोरोना की 3 साल की मेहनत के बाद डॉक्टर विजय जॉली ने और शैलेंद्र कुमारी ने ये जो पूरा किया है एक मेहनत करके, निश्चित तौर पर हम कहेंगे। और ये घड़ा आज अब पूर्ण होके आ चुका है, जल चढ़ के प्रसाद के रूप में आ चुका है। ये सालू जी की मेहनत और डॉक्टर विजय जॉली का कड़ा संघर्ष, एक सफल अभियान सफल हुआ है। मैं न्यूज मेक इन इंडिया, मेक इन टीवी के लिए अशोक गोयल, पावन धरती अयोध्या। आज जो 155 देशों का अभिषेक हुआ, ये पूरे देश के हिंदुओं की भावनाओं का समर्पण हुआ। ये अभिषेक नहीं था, ये हमारी मन की भावनाओं का समर्पण था। भगवान राम लला के चरणों में पूरे अग्रवाल समाज ने, छत्ती बिरादरी के लोगों ने, पूरे विश्व ने अपने अपने घर से जल लाकर, क्योंकि जल से सस्ती कोई चीज़ नहीं है, हमने जलाभिषेक करके भगवान राम के चरणों में पूरे हिंदू समाज का, पूरे मानव मात्र का समर्पण किया है। हे बाबा, हे बाबू राम, पूरी दुनिया का कल्याण करना। फोटो राम रामीला वाले।